जब किसान यहां पर पहुंचा तो सरकार ने कोरोना का भय दिखाया कि यहां पर अगर किसान इकट्ठा आएगा तो दिल्ली में पहले से कोरोना ज्यादा है तो और कोरोना फैल जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं ना कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है, कोरोना वो खुद आप हैं। उनकी दवाई तैयार कर रहे हैं, बैठे हैं सब, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए, दवाई तैयार हो चुकी है। 9 तारीख को टीका लगाएंगे, कोरोना भी मार देंगे, साथ में प्रधानमंत्री को भी उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अकेले टीके से काम चल जाएगा कि साथ में गोलियां भी दोगे? देंगे तो किसान यूनियन बताएगी कैसे कैसे देंगे, दवाई तैयार है हमारे पास, जो किसान यूनियन है बता देगी वो भी कैसे दवाई देनी है, 3-4 स्टेप में दवाई जाएगी। कोरोना पता क्या, गोलियां वैसे जो भी है कुछ भी, हम गोलियां टैबलेट देंगे, आप जो दूसरी गोली बुलवा रहे हो ना वो गोली नहीं है, टैबलेट के लिए बोल रहा हूँ मैं, टैबलेट के साथ वैक्सीनेशन उसका करेंगे, कोरोना जाए ना जाए लेकिन मोदी जरूर जाएगा, जरूर जाएगा मोदी, जरूर जाएगा। अब जो दिल्ली के लोग हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, हम थोड़ी देर पहले मिले थे, बहुत सारे दिल्ली के लोग थे जो हर दिल्ली के अंदर भी तमाम तरह के सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को सरकार को कोरोना का भय दिखा रहे कि वहाँ आप ना जाएं कोरोना फैल जाएगा। सबको शामिल होना पड़ेगा, जमींदार जब खेत में फसल करता है ना उसको मिलता है 5 रुपए, कोई भी चीज आलू हो टमाटर हो वो मंडी में जाके 20 रुपए बिकेगी, जब अडानी आ जाएगा तो 100 में बिकेगी पैकेट में जाके, सबको आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो नुकसान उठाएंगे वो, सब सोच लें, जितने भी सुनेंगे आपके चैनल से नुकसान उठाएंगे, रिलायंस है जो बेचते हैं मार्केट में जाके उनके रेट देखो, जो किसान उगाता है उनके रेट देखो कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ये जो चल रहा है ना सिस्टम 2-3 परिवार के लिए चल रहा है, मोदी को दबा के रखा उन्होंने, जो पीछे से बोलते हैं वही मोदी सब कर रहे हैं, एक परिवार ने वोट डाला है, हमने भी वोट डाला है, किसान ने, पंजाब ने, हरियाणा से सबसे सीट आई है उसको, हमारे वोट लेके हमें सड़क पे बैठा रखा है, एक भी बात नहीं बोली किसान के लिए उन्होंने, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, चलो बोलो तो सही, मन की बात में ही बोल दो हमारे लिए कुछ तो, नहीं मन की बात तो हमने बहुत सुनी है लेकिन किसान की बात तो नहीं सुनी, नहीं करते नहीं वो, करते नहीं वो, अपना जो फरमान है जारी कर दिया है वो, ना मीटिंग में आ रहे हैं ना किसान यूनियन से बात कर रहे हैं, अमित शाह बैठे हैं, कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है किसान से। आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों मीडिया में किसानों के जो मुद्दे हैं वो पहले दिन से बहुत कम दिखाए गए, किसानों लगातार मीडिया का विरोध भी कर रहे हैं, हम चैनल देखना ही छोड़ दिया वो, अच्छा वो मोदी मीडिया गोदी मीडिया जो रखा है वो हमने उनको देखना छोड़ दिया, हम सोशल नेटवर्किंग देखते हैं, जो आम चैनल है पंजाब के चैनल उनको देखते हैं बस, उनका बायकॉट कर देंगे धीरे धीरे, बंद कर देंगे, जो हमारे जहाँ पंजाब में फास्ट वे केबल चलेगी उनको सारे पंजाब के लोग बोलेंगे भी इनके चैनल ही ब्लॉक कर दो, देख के मिलेगा क्या, हर टाइम तो झूठ बोलते हैं, हमें आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तान बोलते हैं, उनको क्या मतलब इस चीज़ का, आके आप जाओ लंगरों में जाओ, हमारे पंजाबी भी खा रहे हैं लंगर, आपके यहाँ के दिल्ली के लोग देखो लाइनों में कितना लंगर खा रहे हैं, कोई किसी को रोकता है नहीं रोकता ना, फिर उसको देखना चाहिए उनको, क्या नहीं दिखता जी, सब कुछ दिखता है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, हर टाइम झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं भी हमारा झूठ ही चल जाएगा, कभी होता था 2014 से पहले जो न्यूज़ चैनल था बात होती थी कैसे गाली गलौज होता है, एक पात्रा साहब बैठते हैं सुनिए उनकी बात कर, सुमित पात्रा, हाँ ऐसे देख लो कैसे बोलते हैं, कोई बात नहीं वोट आ जाएगा, फिर आतंकवादी की वोट डालेंगे, कौन डालेगा वोट, हरियाणा में जब किसान था उन्होंने दुष्यंत चौटाला है जो बीजेपी सरकार के साथ में है उन पे किसानों ने बहुत विश्वास किया और देवीलाल की छवि देखकर उनको वोट दिया, लेकिन अब वो है बीजेपी की गोदी में जाके बैठ के किसानों के बिल्कुल भी नहीं, सभी को कुर्सी प्यारी है, सभी को कुर्सी प्यारी है, उन्होंने आज कल बोला था कोई हल नहीं है जो मैं इस्तीफा दे दूंगा, हाँ ये बात बोली उन्होंने न्यूज पे, वो हमारी बात ही नहीं कर सकता, उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सीट मिल गई है उनको क्या जरूरत है, सब सियासत तो खत्म, जहाँ पे हमारे किसान यूनियन है कोई सियासत नहीं, कोई कांग्रेस कोई अकाली दल कोई बीजेपी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ये जो किसानों का आंदोलन है किसान ही इसको लड़ेंगे, किसी से कोई सियासत नहीं है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप जिस प्रकार से किसानों के जो जितने भी किसानों के यहाँ पर बेटे आए हुए हैं वो पूरी तरह से उनके खून खून में कतरे कतरे में लड़ाई के प्रति जो एक वो है कि हमारा हक हम लेके रहेंगे, उनके रोम रोम में ये बस चुका है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो दिल्ली से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे,
वरना यहाँ पर शांति प्रिय से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और कह रहे हैं कि कोरोना जो है कोरोना का भय दिखाकर सरकार जिस तरह से किसानों को डराने का काम कर रही है, किसान कोरोना के भय से बिल्कुल नहीं डरेगा। किसान ऐसी दवाई ऐसे उपयोग करता रहता है और कोरोना जैसी बीमारियां किसानों के दिन और रात झेलता रहता है, तो किसान किसी की भय से किसी भी प्रकार से डर से किसी भी प्रकार की पाबंदियों से डरने वाला नहीं है। चाहे सरकार उन पर कितनी भी पाबंदियां कस ले, कितनी भी तरह के उनको कितना भी आतंकी जैसे कितने भी करार दे दे, लेकिन किसान जो है वो लगातार रोडों पर डटे रहेंगे। राजनीतिक लोग हैं वो मखमल की गर्म रजाइयों में रात को सोते हैं, लेकिन देश का किसान है और देश के किसान के जो बेटे हैं आज रोडों पर सो रहे हैं। कड़ाके की ठंड है लेकिन फिर भी ये शांतिपूर्व से पिछले 10 दिनों से बिल्कुल शांति प्रिय से धरना चल रहा है। पूरी तरह से मैनेजमेंट है किसान के बेटों पर रोडों पर। अब खाना खाने में, बैठने में, सोने में, पहले भी वो ऐसे काम करते रहते हैं क्योंकि खेत में सोते हैं, लेकिन अब रोड पर सोने में भी और रोड पर खाने में भी उतना ही आनंद आता है जितना कि उनके घर में बैठकर। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटने एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।